दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक। गाइस, आज की वीडियो में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत एक जो मेडिसिन आई है वो लेकर आई हूँ, जिसका फॉर्मूला है क्लोपिडोग्रेल और एस्प्रिन की ये टैबलेट है। यह दोस्तों, ये जो एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल की कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, ये एक तरीके की एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है। एंटी प्लेटलेट मेडिसिन वो होती है जो आपकी बॉडी में जो प्लेटलेट होता है, जो खून में होता है, वो आपस में चिपक जाता है, जिससे खून के ख़तरनाक थक्के बनने लगते हैं। तो ये इसको चिपकने नहीं देता है और वो थक्का बनने से रोकता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन मेडिसिन आपको हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक की बीमारी से बचाता है। साथ ही साथ हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है या आपको कभी हार्ट अटैक आया होता है तो डॉक्टर ये मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, जिससे कि फ्यूचर में हार्ट अटैक से आप बच सकें। ये दो मेडिसिन, इसमें कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसका फॉर्मूला है, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट है आपका क्लोपिडोग्रेल बाइसल्फेट आईपी इक्विवेलेंट टू क्लोपिडोग्रेल की, जिसकी मात्रा इसमें 75 mg है। दूसरा है एस्प्रिन आईपी इंडियन फार्माकोपिया, जिसकी मात्रा इसमें 75 mg मिला हुआ है। दोस्तों, ये एंटी प्लेटलेट मेडिसिन दोनों मिलकर आपको हार्ट अटैक से बचाती है और प्लेटलेट को आपस में चिपकने नहीं देती, जिससे कि हार्मफुल थक्के नहीं बन पाते हैं और आपके बॉडी में ब्लड के वेसल्स में खून का जो बहाव है नॉर्मल तरीके से होता है और हार्ट अच्छे से पंप करता है, जिससे कि हार्ट अटैक आने की चांसेस नहीं होती है। अगर इसके डोज और ड्यूरेशन की बात करें तो ये आपका डॉक्टर बताएगा कि आपको एक दिन में कितनी टैबलेट और कितनी बार लेनी है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 10 टैबलेट की MRP जो है वो ₹19 इसकी MRP है, क्योंकि ये भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आता है, इसलिए इसकी MRP बहुत ही कम है, लेकिन इसका जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन, इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। दोस्तों, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवा का जो मात्रा है कि कितनी टैबलेट लेना है, कम ज़्यादा डॉक्टर के अनुसार करें, अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल भी कोई टैबलेट लेके कम ज़्यादा ना करें, जिससे कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम देखने को ना मिले और आपकी जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, वो एकदम ठीक रहे, जल्द से जल्द सही हो जाए। सभी दवाओं की तरह इस दवा के भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि पेट में दर्द होना या होना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाना या आपकी ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाना, बदहजमी होना, ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अगर ये साइड इफ़ेक्ट धीरे धीरे चले जाते हैं दवा के इस्तेमाल के साथ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हो, ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हो, तो दवा का इस्तेमाल रोककर तुरंत इसके बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनकी सलाह के अनुसार ही दवा का आगे इस्तेमाल करें। ये खून के थक्कों को बनने से रोकती है, इसलिए ये खून को पतला करती है। तो ध्यान रहे दोस्तों कि जब इस दवा का इस्तेमाल करें तो आपको शार्प ऑब्जेक्ट, चाकू से, सबसे कटने पिटने वाली चीज़ों से बचना है, क्योंकि ये दवा खून के थक्के नहीं बनने देती है। तो अगर आपका कहीं हिस्सा, कोई हिस्सा कट जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि खून का थक्का नहीं बनेगा तो आपकी ब्लीडिंग भी नहीं रुकेगी। तो ध्यान रहे, जब ये दवा लें तो अपने आप को ऐसी किसी नुकीली चीज़ों से, कोई चीज़ घुसने से, किसी चीज़ के कटने से अपने को आप बचाएं, उस चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखें। दोस्तों, ये दवा बॉडी में आपके जाके, जैसा कि मैंने बताया एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है, तो जाके वहाँ पे खून के थक्के बनने से रोकती है और जो गाढ़ा खून रहता है उसको नॉर्मल करती है, जिससे कि आपके हार्ट को पंप करने में आसानी हो और आपका हार्ट बॉडी में जो खून का बहाव है वो अच्छे से कर सके। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे रिलेटेड कुछ सवाल करना चाहते हो, कुछ कहना या बताना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप में से जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि मेरे नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे चैनल पर आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी, होम्योपैथिक और कॉस्मेटिक सभी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको मेडिसिन लाइन में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक शेयर करते रहें। मैं जल्दी फिर मिलूंगी दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, लॉजिकल टॉक देखते रहें। गुड बाय, टेक केयर।